पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियां इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं कुछ यादें कुछ मुलाकातें। मेरे हिंदुस्तान से रवाना होने से चंद माह पहले मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अनकरीब विदेश जाने वाले हैं, तो मुझे एक तरकीब सूझी। कैसा रहेगा अगर मैं उनका सेक्रेटरी बनकर जवाहरलाल नेहरू के साथ गैर मुल्की दौरे पर जाऊं? मुझे न सिर्फ इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और चेकोस्लोवाकिया की अहम शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा, बल्कि मैं एंटी फासिस्ट मूवमेंट के गण में भी जा सकूंगा। मुमकिन था कि वो स्पेन जाएंगे, जहां पर पहले ही से बमबारी हो रही थी। एक जर्नलिस्ट और राइटर के लिए ये एक नहायत मौजू तरबियत होगी। लेकिन क्या वो मुझे अपने साथ ले जाने के लिए राजी होंगे? अगली बार जब वो बंबई आए तो मैं इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनके पीछे पीछे घूमता रहा कि मुझे मौका मिले और मैं तन्हाई में उनसे अपने इस ख्याल के बारे में गुफ्तगू करूं। आखिरकार मुझे मौका मिल गया। कैपिटल थिएटर में पंडित जी वहां मशहूर डांसर मैडम मेनका की दावत पर तशरीफ लाए थे। मेरे पास प्रेस का पास था और मैंने उस ग्रुप के ठीक पीछे की एक सीट हासिल करने का इरादा कर लिया जो पंडित जी के साथ मौजूद था। पंडित जी के दाईं तरफ मैडम मेनका के शौहर मशहूर साइंसदां कर्नल सोखी बैठे हुए थे और बाईं जानिब एक नौजवान पारसी खातून बैठी थीं। पर्दा उठने और रक्स शुरू होने से पहले ही वो अपनी जगह पर बैठ चुके थे। इंटरवल के दौरान जैसे ही कर्नल सोखी स्टेज के पीछे गए और पंडित जी का साथी उठकर बाहर गया, मुझे पंडित जी को सलाम करने और उनके करीब जाकर बैठने का मौका मिल गया। पंडित जी, मैंने सुना है कि आप विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अपने थके उलझे दिमाग को तरोताज़ा करना ज़रूरी हो गया है। मैं भी गैर मुल्की सफ़र पर जाने की सोच रहा था। मेरा पहला गैर मुल्की सफ़र। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंडित जी, क्या मैं अपने खर्च पर आपके सेक्रेटरी के तौर पर आपके साथ चल सकता हूँ? इंटरवल के ख़त्म होने की घंटी बजी, रोशनियाँ मध्यम कर दी गईं और उनके साथी लौट आए, इसलिए मैंने उनसे इजाज़त मांग ली। अब्बास, कल बेटी के घर पर मुझसे मिलना, देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। अगले रोज़ मैं बड़ी आरजूमंदी और उम्मीद के साथ उनकी बहन मिसेस बेटी के उमर पार्क वाले घर पर गया, लेकिन वो अजीब मूड में थे। पंडित जी, मैं आपके साथ चल सकता हूं? आप क्या करेंगे? आपके सेक्रेटरी के तौर पर काम करूंगा, आपके लिए टिकट खरीदूंगा, मुलाकातें तय करूंगा, नोटिस लूंगा, मगर मैं आपको कुछ दे नहीं सकता। मेरे पास महदूद सी गैर मुल्की रकम है। मैं मुआवजा तलब ही नहीं कर रहा हूं, मुफ्त काम करूंगा, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी, लेकिन मैं लोगों का शोषण करने के खिलाफ हूं। आप मेरे लिए मुफ्त में काम क्यों करेंगे? तो आप मुझे कुछ मामूली सा मुआवजा दे दीजिएगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। घूम फिर कर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मेरी खुशबख्ती थी कि ऐन उसी वक्त यूसुफ मेहर अली अंदर आ गए।
मैं उनको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर जानता था। पंडित जी ने उनसे कहा, तुम इस नौजवान के लिए कुछ क्यों नहीं करते? उन दिनों यूसुफ मेहर अली न्यूयॉर्क में मुनक्किद होने वाली एंटी फासिस्ट यूथ कांग्रेस के लिए नौजवानों को इकट्ठा कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अब्बास, अगस्त में तुम यूथ कांग्रेस के लिए हमारे साथ चलोगे? हाँ, ये ख्याल अच्छा है। तब आप यूरोप होते हुए वापस आ सकते हैं और वहां मुझसे मिल सकते हैं। पंडित जी ने मशवरा दिया जो मेरे लिए किसी हुक्म से कम ना था। लिहाजा मैं यहां पर था एक लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट लीग ऑफ नेशंस के मरकजी दफ्तर के अंदर थी। लीग ऑफ नेशंस जिनेवा में थी और जिनेवा यूरोप में था। नमस्ते पंडित जी। हेलो अब्बास। वो कुछ तुनक मिजाज और उखड़े उखड़े से दिखाई दे रहे थे। क्या आप भी लीग ऑफ नेशंस में शिरकत के लिए आए हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या समझते हैं, इस चोरों के बावर्ची खाने की मेरी नजर में कोई अहमियत है? लिफ्ट रुकी, वो बाहर निकले, मैं अदब से उनके पीछे पीछे चल रहा था। पंडित जी, मैं आपसे कब मिल सकता हूं? उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस पर पेंसिल घुमाई। 6 बजे आ सकते हैं? जी जरूर। अब मगर कहां पर? ओह माफ करना, मेरे दोस्त का पता नोट करो जिसके यहां मैं ठहरा हुआ हूं। तब उन्होंने मुझे मिस्टर के जीलियक्स का पता दे दिया जो इन दिनों लीग ऑफ नेशंस में सेक्रेटेरिएट के डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में मुलाजिम थे। मैंने अपनी नोटबुक में पता नोट किया और कहा, मैं ठीक 6 बजे वहां हाजिर हो जाऊंगा। मिसेस जिलियक्स ने दरवाजा खोला और मुझे खुशामदीद कहा। जब उनको यह मालूम हुआ कि मैं पंडित जी से मिलने के लिए आया हूं, तो उन्होंने मुझे ड्राइंग रूम में बैठने के लिए कहा ताकि वो उनको इत्तला दे सके। मगर उन्होंने मुझे खबरदार भी कर दिया कि वो बेताबी से आपका इंतजार कर रहे थे। मुझे मालूम था कि पंडित जी वक्त के पाबंद थे। उनके गुस्से के खौफ से मेरा दिल बैठने लगा। जल्द ही वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए तशरीफ ले आए और उनकी ताजीम में मैं उठकर खड़ा हो गया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी, डाकिया आया था। पंडित जी ने खतों पर जरा सी नजर दौड़ाई और फिर अखबारों का पैकेट खोल लिया। ये लखनऊ से छपे हुए नेशनल हेराल्ड का पहला अंक था जिसके लिए मैंने यूरोप में खतरे जंग के बारे में एक मजमून प्रेस में भेजा था। पंडित जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन थे, इसलिए ये कोई हैरत की बात नहीं थी कि पहले अंक की कॉपियां उनको हवाई डाक के जरिए भिजवाई गई थीं। मैं ये देखने के लिए कि मेरा मजमून छपा है या नहीं, इस कदर बेताब था कि मैं पंडित जी के कंधों के ऊपर से अखबार को देखने लगा। उन्होंने मेरी बेताबी को भांप लिया। हां, आपका मजमून इसमें छपा है, मगर मैं इसे पढ़ूंगा कैसे? ये मालूम करने के लिए कि यह मजमून ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ है, मुझे अपने सर के बल खड़े होना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे अखबार दिखाया। वाकई अज ख्वाजा अहमद अब्बास वाली लाइन उल्टी छपी हुई थी। पंडित जी चराग बाह हो उठे। नालायक, आप सब लोग नालायक हैं। एक अखबार भी बचकाना गलतियों के बगैर नहीं निकाल सकते। पंडित जी, मैं तो सिर्फ इस मजमून का लेखक हूं, इसका पब्लिशर नहीं हूं। पब्लिशर तो कहीं लखनऊ में है। आप मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं? मेरी चढ़ी हुई त्योरियों के जवाब में उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आप पर क्यों भड़क रहा हूं? शायद इसलिए कि आप यहां पर मौजूद हैं और कसूरवार लखनऊ में। फिर उन्होंने नायाब सलीका शायरी का मुजाहरा करते हुए कहा, दरअसल आपको मुझ पर भड़कना चाहिए था। जी जी, आखिरकार मैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन हूं, लिहाजा मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं।
अमर चंद कैस की ये नज्म गुलहाए अकीदत पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। हरीफे खंजरो तेगो सना सलाम तुझे, जहाने अमन की रूहे रवां सलाम तुझे। तेरी निगाह फलक बोस फिक्र अर्श नशी, अमल अजीम इरादे जवां सलाम तुझे। वतन की खाक मुकद्दस को कर दिया सहरा, वतन के नक्श गरो बाग़बां सलाम तुझे। विकारो अजमते हिंदोस्तां वजूद तेरा, विकारो अजमते हिंदोस्तां सलाम तुझे। हमेशा मरकजे उम्मीद एशिया तू रहा, इस एशिया के दिली तर्जुमान सलाम तुझे। फिदा थे तेरे तदब्बुर पे अहले मगरिब भी, हजार शौक से फखरे जहां सलाम तुझे। गुलाम मुल्क भी तकते थे आसरा तेरा, गुलाम कौमों के राहत रसां सलाम तुझे। बढ़ाया गैर की जानिब भी सागरे उल्फत, दयार हिंद के पीरे मुगां सलाम तुझे। तेरे ही दम से है जंगो जदल का शोला सर्द, सलाम हामिये अमनो अमां सलाम तुझे। हयात बख्श है तेरा कलाम तेरा पयाम, बड़े अदब से मसीहे जमां सलाम तुझे। बड़े अदब से मसीहे जमां सलाम तुझे।